करें जियो आईटी का मामला है, तो काफी लंबे समय से ये मामला लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि कल इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। और बहुत सारे जियो आईटी के हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि उनका सवाल था कि सरकार की ओर से क्या रिप्लाई दायर किया गया है, तो अभी तक फिलहाल क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, रिप्लाई कमीशन ने पहले ही कोर्ट में दायर कर दिया था और कल सरकार जो है वो इस पर देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला इसमें सुनाया जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जीओआईटी के अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला सुनाती है तो आगे उसी स्तर पर इस भर्ती को किया जाएगा, लेकिन अगर इसे इस जीओआईटी मामले को लेकर डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जाती है तो ऐसे में सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी और इस मामले को जल्द सुलझाने का प्रयास करेगी। अभी तक केवल यही जानकारी इस पर विभाग की ओर से दी जा रही है कि इसमें यही प्रोसेस अभी अपनाया जा रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है उसका इंतजार किया जाएगा, उसके बाद जो है वो सरकार आगे चलकर जो है वो अपना फैसला इसमें लेगी, एप्लीकेशन दायर की जाएगी कि जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। हालांकि अभी तक सरकार का स्टैंड वही है कि जो आईटी 817 की पोस्टें अगर सुप्रीम कोर्ट कम नहीं करता है तो उसी आधार पर जो है वो इन पोस्टों उसी आधार पर जो है वो 1867 पद जो है वो भरे जाएंगे और 556 का जो मामला है उसमें उस पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसी आधार पर उन पर भर्तियां की जाएगी और कैबिनेट में नई पोस्टें जो है वो भी क्रिएट करवाई जाएगी। तो सरकार जो है दोनों चीजों को लेकर यहां पर चल रही है कि 556 और 817 में जिस भी तरीके का कोई भी डिसीजन सरकार का होता है उसी डिसीजन के आधार पर जो है वो इन भर्तियों को किया जाएगा। दोनों ऑप्शन सरकार ने अडॉप्ट किए हैं, दोनों ऑप्शन को लेकर इस समय सरकार चल रही है, सरकार के तमाम अधिकारी चल रहे हैं, तो ऐसे में आप इंतजार करिए और आगे चलकर इसमें क्या होता है वो हम आपको जरूर अपडेट करवाएंगे।